अहम किरदार। हीरो दानिश ने दो टके की औरत के घर जाकर जान दे दी है अहम। सहाफत का जनाजा है जरादूम से निकली, दानिश ने दो टके की औरत के घर जाकर जान दे दी, न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज चला दी। तफसीलात के मुताबिक ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो के अहतमाम पर एक निजी टीवी चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज दी कि मेरे पास तुम हो का हीरो दानिश इंतकाल कर गया। दानिश ने दो टके की औरत के घर जाकर जान दे दी। टीवी चैनल की इस रिपोर्टिंग पर सोशल मीडिया सराफीन ने दिलचस्प तबसरे की। एक सारिफ ने इस ब्रेकिंग न्यूज पर चैनल को सलूट किया। एक सारिफ ने क्लब शेयर करते हुए लिखा कि मुल्क के बेशतर इलाकों में सहाफत की जनाजे का वक्त हुआ चाहता है। एक सारिफ सलीम यूसुफजई ने लिखा कि हमारी सहाफत के लेवल का अंदाजा बहूबी इस बात से लगाया जा सकता है कि आज एक निजी टीवी चैनल ब्रेकिंग न्यूज चला रहा था कि ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम्हों में दानिश की मौत हो गई। सहाफत का अब यही लेवल रहा। सलीम अख्तर ने लिखा कि कराची टू क्वेटा रोड एक्सीडेंट में हजारों अफराद शहीद हुए हैं और यहां न्यूज चैनल्स में दानिश की ड्रामाई मौत की ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। अतीकुर रहमान सियाल ने लिखा कि ड्रामे के फर्जी करदार दानिश की मौत को ब्रेकिंग न्यूज बनाकर पेश करने पर वतन की हवाई न्यूज चैनल्स को सलाम पेश करती है। राना महमूदी ने कहा कि ड्रामा मेरे पास तुम हो की हीरो दानिश दो टके की औरत के घर जाकर फौत हो गया। देखा आपने कितनी अहम खबर दी 42 न्यूज ने। खुशकिस्मत हो कि तुम पाकिस्तानियों को तुम्हारी पास 42 जैसे चैनल मौजूद है। अगर ये चैनल खबर ना देता तो कयामत तक आपको पता ना चलता कि दानिश कैसे फौत हुआ। गजाली कुरैशी ने कहा कि लाहौर सिटी 42 न्यूज पर ड्रामा मेरे पास दोनों की हीरो दानिश के इंतकाल की खबर आई। शर्म आती है पाकिस्तान की मीडिया पर। ये मीडिया तो मजाक बन गया है दुनिया में। क्यों मीडिया किसी हद में नहीं, मीडिया को एक लिमिट में होना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। ये ब्रेकिंग न्यूज होनी चाहिए थी, ये करदार है मीडिया का। इस वीडियो के नीचे दी गई सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ में बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, मैसेंजर पर, फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर।